नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज के इम्पॉर्टेंट वीडियो में जनवरी माह के इम्पॉर्टेंट डे को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि जनवरी एक को अर्थात 1 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो ग्लोबल फैमिली डे, जो विश्व परिवार दिवस होता है, उसको 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट 12 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो नेशनल यूथ डे, कहने का मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को। और किसके यादगार या किसकी जन्मतिथि होती है इस दिन 12 जनवरी को, ध्यान रहे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस पर जो है ये प्रत्येक 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो है सबसे पहले अपना जो भाषण दिए थे वो दिए थे शिकागो। शिकागो में सबसे पहले इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, और शिकागो किस झील के किनारे बसा हुआ है या किस झील किनारे, तो मिशिगन। शिकागो जो है मिशिगन झील किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 15 को क्या सेलिब्रेट करते हैं। आर्मी डे, 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं अर्थात थल सेना दिवस। बात की जाए थल सेना दिवस तो 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, वहीं भी बात की जाए कि वायु सेना दिवस और नौसेना दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो जो वायु सेना दिवस होता है ये करते हैं 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाते हैं, और नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। प्रेजेंट टाइम पर आर्मी डे के जो आर्मी हमारी सेना, जो थल सेना है, इसके हेड कौन से, थल सेना के जो है प्रेजेंट टाइम पर हेड कौन है, तो यहाँ पर है मनोज मुकुंद नरवाड़े जी जो हैं थल सेना के हेड हैं। नेक्स्ट है 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे अर्थात राष्ट्रीय बालिका दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 24 जनवरी को। ठीक है, और यहीं पे जो है 25 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो नेशनल वोटर्स डे अर्थात मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। क्योंकि 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसका कारण है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, जिसके कारण प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यहीं पे बात कर दी जाए कि निर्वाचन आयोग के प्रेजेंट टाइम पर हेड कौन है, तो सुनील अरोड़ा जी यहाँ पे हेड हैं। ठीक है, सुनील अरोड़ा जी जो हैं हेड हैं निर्वाचन आयोग के। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस है हमारा कि जनवरी 25 को ही नेशनल टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को ही, जबकि 26 जनवरी को अपन लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, सभी लोग जानते हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। और यहीं से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी ढूंढ लेते हैं कि इस बार 26 जनवरी में जो है मुख्य अतिथि थे वो कोई नहीं आया था।
इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, कहने का मतलब और भी एक दो बार हुआ है, लेकिन इस बार 2021 में जो 26 जनवरी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, तो यहाँ पे कोई चीफ गेस्ट नहीं आया था, ठीक है। जबकि 2020 में जो 26 जनवरी हुई थी, 2020 में तो बोल्सनारो आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, बोल्सनारो जो कि ब्राज़ील के रहने वाले थे। तो 2021 में जो 26 जनवरी सेलिब्रेट की गई, यहाँ पर मुख्य अतिथि कोई नहीं आया था। जबकि 2021 में जो सेलिब्रेट की गई, मुख्य अतिथि कोई नहीं आया था। जबकि 2020 में बोल्सनारो आए थे, बोल्सनारो जो कि ब्राज़ील के रहने वाले थे, ठीक है। तो यार इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे फरवरी माह के इंपॉर्टेंट डे को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।